बरकांतिमिन्दुवदनं बरहारवतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदारकौस्तुवधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषण भजे सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्तादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयंग नमः वेणुं कानंतं अरविंद दलायताक्षं वरहावतं समशितांबूद सुंदरांगं कंदर्वकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदं आदिपुरुषं तमहंग भजामि यस्य प्रभा प्रभवतु जगदंडकोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद ब्रह्मा निष्कलं अनंतं अशेष भूतं गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। आज हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य काल में जब धरती पर अधर्म का साया बढ़ता जा रहा था, पृथ्वी पाप और अत्याचार से भर चुकी थी। भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। धरती पर राक्षसों के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने भी भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर संसार की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया और वचन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतरित होंगे और पापियों का नाश करेंगे। भगवान ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा। मैं वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु की लीलाएं अपरंपार हैं। वे हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते आए हैं, लेकिन इस बार का अवतार कुछ अलग था। एक ऐसा अवतार जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। कथा शुरू होती है मथुरा नगरी से। यहाँ शूरसेन वंश के राजा उग्रसेन, उनकी बेटी थी देवकी, जिनकी शादी वसुदेव से हुई थी। देवकी और वसुदेव भले ही राजकुमार राजकुमारी थे, लेकिन उनके जीवन में एक छाया सी मंडरा रही थी। कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था।
उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। एक दिन जब देवकी और वासुदेव की शादी की बारात जा रही थी तो आकाश में एक दिव्य ध्वनि ने शंखनाद दिया। ये आवाज थी स्वयं भगवान विष्णु की। उन्होंने कहा, हे कंस, तू जो अपनी बहन देवकी को लेकर जा रहा है, उसके आठवें पुत्र द्वारा ही तेरा अंत होगा। ओम यजनाय यजनेश्वराय यजनपतये यजनसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। ये सुनकर कंस आश्चर्यचकित हुआ। कंस ने पहले से ही श्री विष्णु की भविष्यवाणी सुन रखी थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। उसने तुरंत ही देवकी को बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल दिया। लेकिन भगवान की लीलाएं अनंत हैं। उन्होंने देवकी और वासुदेव के मन में अपना अद्वितीय प्रकाश प्रकट किया और कहा, देवकी तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे गर्भ में जन्म लूंगा और कंस का अंत करूंगा। तुम दोनों धैर्य रखना और मेरे आगमन की प्रतीक्षा करना। भगवान विष्णु के वचनों से देवकी और वासुदेव को अत्यधिक संतोष हुआ। उन्होंने भगवान के आदेश का पालन करने का व्रत लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी के गर्भ से जो जन्म लेने वाला था वो कोई साधारण शिशु नहीं था, वह तो स्वयं भगवान विष्णु थे जो अपने वचन का पालन करने, धरती पर बढ़ते पापों का नाश करने, संसार को अधर्म से मुक्त करने और कंस जैसे दुराचारियों का अंत करने स्वयं धरती पर अवतरित होने वाले थे। अपने जीवन के भय से कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। देवकी ने एक के बाद एक 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने उन सभी को निर्दयता से मार डाला। वासुदेव जी अपने वचन का पालन करते हुए हर बार कंस को अपने पुत्रों को सौंप देते थे। देवकी और वासुदेव जी का हृदय पीड़ा से भर जाता था, लेकिन वे अपनी तकदीर को स्वीकार करते रहे। जब देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला तो भगवान विष्णु का अंश, जिन्हें अनंत देव के नाम से जाना जाता है, 7वें गर्भ में प्रकट हुए। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनं निजनाथानं योगो माया समादृशम्। विश्वात्मा श्री भगवान ने संकटग्रस्त व्रजवासियों के भय को जानकर अपनी अगली योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए देवी योग माया का आवाहन किया।
गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे गोप गोभीरलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भर्यास्ते नंद गोकुले अन्यश्च कंस संग विघ्ना विवरेषु वसन्ति। भगवान विष्णु ने देवी योग माया से कहा, देवी, देवकी के गर्भ में जो शेष नामक अंश के रूप में भ्रूण है उसे आकर्षण पूर्वक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करें। इस प्रकार वह भ्रूण रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित रहेगा और कंस की नजरों से छिपा रहेगा। देवी महामाया ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार कार्य किया। शेष नामक के अंश को जो देवकी के गर्भ में था रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बलभद्र का जन्म रोहिणी से हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने यशोदा के गर्भ से जन्म लेने की तैयारी की। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तनाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे योगाय योगीश्वराय योगपतये योगसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव अपने कठिन दिनों का सामना कर रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ अद्भुत घटना घटी। जब देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया तब उनके शरीर से एक अलौकिक ज्योति प्रकट हुई। ये ज्योति इतनी प्रचंड थी कि पूरे कारागार में प्रकाश फैल गया और कारागार का अंधकार दूर हो गया। उस अलौकिक प्रकाश के साथ ही देवकी और वसुदेव के मुख पर एक दिव्य हर्ष की चमक प्रज्वलित हो उठी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके चेहरों पर ऐसी अद्भुत मुस्कान थी मानो साक्षात देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। जब देवकी और वसुदेव के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का संकेत मिला तो ब्रह्मा, नारद मुनि और सभी देवताओं ने आकाश मार्ग में श्री हरि के आगमन की स्तुति की। ये घटना दिव्य रूप से संपन्न हुई और समस्त ब्रह्मांड में एक अद्भुत आनंद छा गया। सत्यव्रतं सत्यापरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृता सत्यनित्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। कृषिभूर्वाचक शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे
नमो वेदांत विद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्वंत हेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिने कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। मध्य रात्रि का समय था। कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। भगवान के जन्म के साथ ही चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। जैसे ही वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिया, उन्हें अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। तभी अचानक कारागार के सभी द्वार स्वतः खुल गए और सभी द्वारपाल गहरी निद्रा में सो गए। ये सब कुछ इतना चमत्कारी था कि वसुदेव जी को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है। वासुदेव जी ने बिना समय गंवाए भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी। पानी का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन जैसे ही वासुदेव जी ने यमुना में कदम रखा, जल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। यमुना जी ने स्वयं श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर खुद को धन्य माना। और तभी एक और अद्भुत घटना घटी। आकाश में गरजते बादलों के बीच शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से वासुदेव जी और कृष्ण जी के ऊपर छत्र छाया बनाकर उनकी रक्षा करने लगी। गोकुल पहुंचते ही वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास सुला दिया और यशोदा माता का शिशु जो एक कन्या थी उन्हें लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस को जैसे ही यह सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है, वह तुरंत कारागार में आया। उसने क्रोध और आक्रोश में आकर उस कन्या को उठाया और उसे जमीन पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाशोन्मुख हो गई और महामाया के रूप में प्रकट हुई। महामाया ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है।
अब तू चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, तेरा अंत निश्चित है। और उनके कथनानुसार निश्चित समय पर श्री कृष्ण ने क्रूर कंस का वध किया और धरणी पाप मुक्त हुई, धर्म की स्थापना हुई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रियाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालाधो महामना, आहूया विप्रान वेदजनान्, स्नात शुचिरलंकृतः, आहूया विप्रान वेदजनान् स्नात शुचिरलंकृतः। वाचित्वा सस्त्वयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयमाश विधिवत्, पितृदेवार्चनं तथा। कारयमाश विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। उदार चित्त वाले श्री हरि का नंद जी के यहाँ जन्म हुआ। नंद बाबा ने उत्साह पूर्वक नए परिधान धारण किए, माथे पर तिलक लगाया
और हर्षोल्लास के साथ पूरे ब्रजवासियों को भगवान के जन्म के अलौकिक खुशी में शामिल होने हेतु निमंत्रण दिया। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिं सप्तरत्नौघा शातकुम्भाम्बरावृतान् तिलाद्रिं सप्तरत्नौघा शातकुम्भाम्बरावृतान् कालेन स्थानशौचाभ्यं संस्कारोस्तूपसेज्जया शुध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रवण्यात्मात्मविदया शुध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रवण्यात्मात्मविद्या। उल्लसित नंद जी ने जीवात्माओं की पवित्रता और संतोष को ध्यान में रखकर स्वर्ण जड़ित सिंह, रजत जड़ित खुर और स्वर्ण आवृत गोधन के साथ सात तिल पर्वत दान दिए। मंगल गिरो विप्रा शूतमागद वंदिनः गायकाश्च जगुनेर दुर्भेर्जो
द्वंद्व भयो मुहु। गायकाश्च जगुनेर दुर्भेर्यो द्वंद्व भयो मुहु। ब्रज संमृष्टा संसिक्ता द्वारा चीर गृहंतरः चित्रध्वज प्रतकास्र चैल पल्लव तोरनः। चित्रध्वज पताकाश्रक्चैल पल्लव तोरनहि। भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर ब्रजवासियों की खुशी प्रकाष्ठा पर थी। लोग उनके सम्मान में जगह जगह गोष्ठियों में गीत गोविंद के रस में डूबे हुए थे। पूरा ब्रज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि ईश्वर का दैविक आगमन हो चुका है। अतः लोगों ने अपने घरों को सुशोभित करना शुरू कर दिया। चौक चौराहों पर हर्षोल्लास का सम्मेलन उमड़ पड़ा। दीप प्रज्वलित हुए और पूरी नगरी पुष्प जड़ित हो गई। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातु बरहस्रक वस्त्र कांचन मालिनः। विचित्र धातु बरहस्रक वस्त्र कांचन मालिनः। महार वस्त्राभरण कंचुकोष्णीशभूषिता गोपा समययुराजन् नानोपायन पाणयः। गोपा समययुराजन् नानोपायन पाणयः। गोप्यश्चाकर्णमुदिता यशोदाय श्रुतोद्भवम् आत्मानं भुषयं चक्रूर वस्त्राकल्पञ्जनादिभिः। आत्मानं भुषयं चक्रूर
वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः ब्रजवासियों ने अपने पशुओं को हल्दी और तेल का लेप लगाकर नाना प्रकार के पुष्पों के साथ उनका श्रृंगार किया। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर आज मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी ईश्वर के आगमन पर हर्षित हो गए थे। मानो उनका पालनहार उनसे जुड़ने आ गया हो। ब्रज के वासी नए नए परिधान के साथ उपहार लेकर नंद बाबा के यहाँ हाजिर हुए। उनकी खुशियाँ ऐसी थी जैसे वे अपने किसी प्रत्याशित इष्ट देव से मिलने जा रहे हों और उनकी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त हुई हो। जिस तरह नारी अपने प्रियतम के आगमन पर 16 श्रृंगार करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर अपने मन में प्रेमानुभूति लिए ब्रजवासिनी स्वयं को आभूषित करने लगी। नवा कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया बलिभिस्त्वारितंग जगमु पृथु सन्यश्च लत्कुचः गोप्याशु मृष्ट मणि कुंडला निष्कंठा चित्रांबरा पति शिखा च्युत मल्ल वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजूर व्यालोलकुंडल पयोधरहार शोभा ता आशीष प्रयुन्यानाश्चिरं वाहीति बालके हरिद्राचूर्णा तैलतभि सिंचत्यो जनमुज्जगुः। गोपियां उत्साहित होकर उपहार लिए श्री कृष्ण को समर्पित करने हेतु द्रुत गति से उनके घर की ओर बढ़ने लगी। हीरे मोती स्वर्णादि से अलंकृत गोपियां नंद बाबा के घर में चहलकदमी करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने चिर परिचित प्रिय सखा से मिलने जा रही हूँ। ऐसा मनोरम दृश्य था जैसे मेघ घिर आया हो और मयूरी अपने पूरे उत्साह के साथ नृत्य कर रही हो।
अत्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनन्ते नन्दस्य ब्रजमागते कृष्णे विश्वेश्वरे अनन्ते नन्दस्य ब्रजमागते गोपा परस्परं हृष्टा दधिक्षीरा घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपुः आसिञ्चन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपुः जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक नई ऊर्जा और उल्लास का अनुभव किया। ग्रह नक्षत्र और आकाश मंडल सभी ने इस दिव्य घटना को धारण किया और उनके स्वागत में उज्जवल हो उठे। ब्रजवासियों ने दही जल घृत दुग्ध आदि से एक दूसरे का अभिषेक करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था इस खुशी में संपूर्ण सृष्टि एकत्रित हो गई हो और बहुरंगों से पृथ्वी को प्रेम की होली से रंग दिया हो। ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र और पूरा आकाश मंडल उल्लसित हो उठा। समुद्र की शंख ध्वनि सुनाई देने लगी, पुष्पों की बौछार होने लगी। स्वर्ग से फूलों की बौछार ने इस दिव्य घटना को और भी भव्य बना दिया। फूलों की यह बौछार भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बन गई। भगवान की कृपा और उनकी शक्ति अनंत है। जब अधर्म का
विस्तार होता है और समाज में अराजकता फैलती है, तब भगवान स्वयं किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभूत्यानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनर्थाय शंभवामि युगे युगे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी।